कोई ऐसी लड़की है जो ये कहती मैं अब इंडिया के लड़कों को डेट नहीं करना चाहती? हाँ, दिस गर्ल राइट हियर, ओके. हाँ, आपका नाम क्या मैम? मुस्कान. क्यों छीन लिया आपकी किसी ने? क्या करती हो मुस्कान? सॉरी, फ्लाइट अटेंडेंट. ओके, कौन सी एयरलाइन में हो बहन? एयर इंडिया. कलकत्ता जाना होता है, लाहौर लैंड कर देते. कुछ बताना चाहती हो आप एयर इंडिया लड़के क्यों पसंद नहीं है? एनी रीजन, कुछ भी. सॉरी, फॉरनर्स आर बेटर लुकिंग. आपने कभी फ्रंट कैमरा खोला है? इंडिया के मर्दों की बेइज्जती नहीं चाहूंगा मैं. मैं एक इंजीनियर हूं और इसमें क्या हंसने की बात है? मैं एक इंजीनियर हूं, ताली बजाती. कितना है, कोई है यहाँ पे इंजीनियर बीटेक है? इतने से रूम में आधे भरे पड़े हैं. देखो, इंडिया में इतना इंजीनियर पता क्यों है? 2005, 6, 7, 8, 9, 10 के आसपास इंडिया में एक बीटेक की नदी बह रही थी, तो माँ बाप पता करते अपनी आंखें बंद करते थे, अपना बच्चा उठाते थे और यूं करते थे. उसके बाद बच्चा तैर रहा है, डूब रहा है, नदी में मर रहा है, मछलियों के साथ संभोग कर रहा है. उनको कोई मतलब नहीं है. बेटा संभोग जो होता है ना, अभी जो वो पुराने लोग बोलते थे, जेंजी के लिए रोमांस होता. हाँ, मेरे बाप ने मुझे 12th के बाद पूछा, हर्ष तुम्हारा क्या मन करने का? मैंने कहा पापा LKG UKG मिला के मैं 14 साल से पढ़ाई करो. कह रहे तो मैंने कहा मेरा आराम करने का मन. तो कहते यू ही जिंदगी भर बाप के टुकड़ों पे बलते रहोगे? मैंने कहा मुझे दिक्कत नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है? कहते बीटेक कर लो. मैंने क्यों? कह रहे माहौल चल रहा है बीटेक का. मैंने माहौल तो चोरी चकारी का भी है पापा. डकैती डाल दे. कह रहे बेटा बीटेक करोगे, 2 वक्त की रोटी कमाओगे. और बाय गॉड, मेरे बाप ने सच बोला था, जितने लोगों ने बीटेक करी है ना, ये 2 ही वक्त की रोटी कमा रहे हैं. आपको इनके पास अपनी सब्जी भी नहीं है, इनको सब्जी के लिए 3rd वक्त में जाना पड़ रहा है. वहां राजकुंद्रा बैठा हुआ है. हमारी पिक्चरों में काम करोगे? इंजीनियर्स वहां भी रिजेक्ट हो रहे हैं. प्यार और पैसा दोनों नहीं है इंजीनियर्स की जिंदगी में. मैंने सुना है कोई कहता है कि अगर आप इंडिया में भीड़ में पत्थर मारो इंजीनियर्स को लगता है. भाई जब से मैंने बीटेक करी 15-20 पत्थर खा चुका. ये कौन चूतिया है जो मार के चेक कर रहे? मुहावरे कॉन्टेस्ट करते, फट के 4 हो जाना हो थोड़ी जाती. मैंने तो कभी नहीं महसूस करी. कोई लड़की IT में जॉब करती है? एनी गर्ल इज वर्किंग फॉर एन IT कंपनी. किस कंपनी में मैम? है नहीं नहीं कोई लड़की अच्छी IT कंपनी में काम करती है? TCS. देख रहे भाइयों कितने स्टाइल में बता रही. कुछ नहीं है, 3.2 लाख पर एनम. और 3.5 लाख में लड़कियां कैब से ऐसे उतरती हो करके भाई से. ये लौंडों का 2-2 लाख रुपए दिन का पैकेज होता है. जब तक चिंगारी निकलाती ना अमेज़न जंगल से. सही में मेरे साथ एक लड़की जॉब करती थी, 18,000 रुपए सैलरी थी. जब फोन करो बाल स्ट्रेट करा रही हूँ, रेस्टोरेंट में खाना खा रही हूँ, सैलून में ये कर रही हूँ, मॉल में शॉपिंग कर रही हूँ, मेरी 50,000 सैलरी थी. काम वाली से उधार लिया मैंने. उसका नाम लक्ष्मी था, मुझे लगा इस पे तो होगी. इंडिया में अगर आप IIT से बीटेक करो 30 लाख का पैकेज लगता है. आप AIEEE से करो 15 लाख. आप UPTU से करो, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जहां से मैंने करी, आप जिस कॉलेज से कर रहे होते उसी में सिक्योरिटी गार्ड लगते. मेरा पहला कैंपस प्लेसमेंट कैंपस में ही हो गया था. जो फोटोकॉपी वाले भैया नहीं होते कैंपस में, उसने जॉब ऑफर करी मेरे को. मैंने कहा काम क्या करना? कह रहा थूक लगा के पन्ने गिनने पूरा दिन. कोई पूछता था आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है? नया बच्चा आके. मैं कहता ये कैसा बड़ा पचब्बा है. मैं आज आपको एक साफ साफ बात बता दूं, मेरी AIEEE में 85 से ज्यादा रैंक थी. चार लाख थी मेरी. उसकी हॉस्टल वीडियो आई, मैंने फोन किया, मैंने भाई तू रैंक बता रहा था वीडियो में कितनी थी? कह रहा 2.5 लाख. मैंने कहा बस्ती मेरी 4 लाख. कह रहा फिर तो तू अच्छा है पढ़ाई में भाई.
मैंने चीयर्स बोल के रखा है और मुझे सच में लग रहा था रैंक अच्छी है। कंप्यूटर में मेरे नाम क्या रैंक लिखी वापसी में साइबर कैफे से गाने गाता आ रहा हूँ कि बहती आवाज़ सा था वो। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। रस्ते मेरे दोस्त का फोन है, हर सीआई ट्रिपल का रिजल्ट आ गया। मैंने भूत नहीं किया, 4 लाख रैंक है तेरे भाई की। कह रहा हराम खोर 3.5 लाख तो बच्चे ही बैठे थे। मैंने आखिरी बच्चे से 50,000 दूर था मैं, इतना गंदा पेपर करके आया। 240 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक भी ए नहीं था उसमें से। मैं घर जाके अपने बाप को रैंक नहीं बता पाया। 4 दिन में फिर मेरे दोस्त का फोन आया, हर्ष पापा को रैंक बताई। मैंने कहा फटी पड़ी है भाई, 2 लाख बताइए, 2 लाख बाद में बताऊंगा। मैंने कहा भाई इतनी घटिया रैंक के साथ कहीं जॉब लग जाएगी, कुछ पैकेज मिल जाएगा? कह रहा बिल्कुल लग जाएगी भाई, TCS करके एक कंपनी है 3.2 लाख पर। ओहो बड़ा मजा आता था भाई। मेरे बाप रोज पूछते थे, हर्ष तुम्हारी रैंक कहाँ रहेगी? मैंने कहा आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। उनको समझ में आ गया था इसने कुछ नहीं किया, उन्होंने मैनेजमेंट कोटे पे मेरा एडमिशन कराया। जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ, मैनेजमेंट कोटा जो लड़के मेहनत करते हैं रैंक लाते हैं खुद एडमिशन लेते हैं। मैनेजमेंट कोटे वाले जो होते हैं उनके बाप मेहनत करते हैं। पैसे देके एडमिशन कराया, आप बताओ। मेरी फीस 1 लाख थी, डोनेशन 4 लाख। बाकी बच्चों ने एजुकेशन लोन लिया, हमने एडमिशन लोन लिया। और हॉस्टल जाके पता लगा इस दुनिया का सबसे बड़ा सा शराब है। हॉस्टल के लड़के सुबह 4 बजे उठ के रॉयल स्टैक से कुल्ले करते। इनसे बोलो ब्रश करना, कमोड वाला उठा लाते। सही में भाई नशे में होते। मैंने कहा ये क्या कह रहा भाई, सारे भाई मिलके करेंगे। रुक मैं पेस लेके आता हूँ। मैंने कहा तू नहीं जाएगा पेस लेने। हमने तुझे ब्रश बोल के गलती कर दी। हम दातुन कर लेंगे, मुंगली कर लेंगे, कुछ भी करेंगे। सबसे बड़ा सच शराब है भाई। मेरे बाप के साथ तो घटना ही करके इतने इमोशनल हो गए। मेरे बाप 4 साल के लिए बेटा जा रहा, मेरा बैग पैक कर रहे थे, उसमें पार्ले जी रखा, सरसों का तेल, बिस्किट, नमकीन सब रखा, कंगी रखा। हॉस्टल पे पहुंचे, ऑटो से हम उतरे, ठंड का टाइम पर हम पे उसने 20 रुपए मांगे, हम पे टूटे नहीं थे। हम लोग अंदर घुसे हॉस्टल की सीढ़ियों पे, 2 लड़के नशे में, 2 सीनियर्स, हमें अभी पता है उनका नाम, उनका एक राठी सर थे एक भाटी सर थे, होते हैं दिल्ली NCR के हर कॉलेज में। अंदर के पापा कह रहे तेरे गुरु इनसे पैसे मांग ले, कल वापस कर दिया। गुरु नशे में थे। मैं चला गया, मैंने कहा सर 20 रुपए दे दो, कल ले लेना। कह रहे 40 लो अभी दो। मैंने कहा पापा आप तो पीछे हो जाओ, ये लड़ाई अब मेरी है। कह रहे मैं नहीं लड़ने दूंगा। मैंने कहा गुरु हैं? कह रहे गुरुदक्षिणा बहुत अलग मांग रहे हैं। इधर आओ, सरसों का तेल बालों में लगाने के लिए लाए। तो उनको अर्थक्वेक तो नहीं पता लगते थे। भाग रहा था मैंने।